मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों की आंख से पानी आता रहता है। ये पानी क्यों आता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जाए, आज इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण आंख के अंदर पानी आने का होता है कि अगर आंख के अंदर कोई एलर्जी हो तो उसकी वजह से भी आंख में पानी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आंख के अंदर एलर्जी होती है तो आंख अपने आप को बचाने के लिए टीयर्स को ज़्यादा बनाती है, जिसकी वजह से फिर आंख से ज़्यादा पानी आने लगता है। और या फिर आंखें ड्राई हों तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए भी हमारे आंख के अंदर जो है कुछ तरह का पानी बनता है, जो कि एक्चुअली टीयर्स नहीं होते हैं या पुअर क्वालिटी के टीयर्स होते हैं, और वो ड्राइनेस की वजह से फिर पानी आंख में ज़्यादा आता है, और जिससे कि आंख थोड़ी सी बचाव हो जाए उसका। लेकिन वो होता ड्राइनेस की वजह से है, तो उस ड्राइनेस को ख़त्म कैसे किया जाएगा वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक तो एलर्जी की वजह से होता है आँख के अंदर पानी ज़्यादा आना, दूसरा ड्राइनेस की वजह से होता है, तीसरा एक हमारे यहाँ पर जो एक ग्लैंड होती है, डक्ट होती है, जिसके अंदर जितना पानी भी हमारी आँख के अंदर अगर ज़्यादा बन रहा है या जितना आया वो नॉर्मल, वो इसके अंदर निकल जाए। और अगर ये बंद होगी तो जो नॉर्मल पानी भी हमारी आंख में बन रहा है, जो लुब्रिकेंट है जिसको हम टीयर बोलते हैं, वो फिर यहाँ से पास ऑन नहीं होता है, वो आंख के अंदर ही रहता है और आंख से फिर अलग से बहता है। तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अगर आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि जिस तरह से अगर आंख के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो जाए, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। या हमारा कॉर्निया जो होता है उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम केराटाइटिस बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी आंख के अंदर इस तरह से पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और जिसका जो कारण होता है उसके हिसाब से फिर हम उसको दवाई देते हैं, तो फिर ये पानी जो आना बंद हो जाता है। जिस तरह से अगर मान लीजिए आँख के अंदर ज़्यादा पानी आ रहा है और वो जलन करने वाला है और नाक से ही पानी आ रहा है, जिससे जुकाम के अंदर हो जाता है, तो उसके अंदर फिर हम यूफ्रेशिया नाम की एक दवाई देते हैं, उससे फिर आँख के अंदर पानी आना ठीक हो जाता है और वो इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। अगर नाक से भी पानी आ रहा है और आँख से ही पानी आ रहा है और नाक से पानी अगर जलन वाला है, आँख से सिर्फ खाली वैसे ही पानी बह रहा है, तो उसके अंदर एलियन सिपा नाम की एक दवाई है, जिसका प्रयोग करने से जो है ये पानी इस तरह से जो ज़्यादा आ रहा है वो आना बंद हो जाता है। या आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, जिस तरह कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो उसके अंदर बेलाडोना नाम की दवाई है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर इन्फेक्शन के साथ साथ उसके अंदर इरिटेशन भी है, पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, और दूसरा और भी कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसके अंदर फिर मर्क्सोल नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। या आँख से पानी आ रहा है और रोगी को पसीना भी ज़्यादा आ रहा है और नमक वाली चीज़ें खाने का उसका ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर सलाइन की कमी हो गई है और गर्मी का मौसम है, तो उसके अंदर फिर नेट्रम्यूर नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। और अगर पानी ज़्यादा आ रहा है और पानी थोड़ा इरिटेटिंग है या थोड़ा एसिडिक टाइप का, जिसकी वजह से आँख के कॉर्नर्स कट जाएँ, तो उसके अंदर फिर एसिड नाइट्रिक नाम की एक दवाई है, जिसके प्रयोग से जो है ये समस्या ठीक हो जाती है। और अगर इन्फेक्शन के अंदर जो है जिसका हम कहते हैं थोड़ा म्यूकस आ रहा हो, जैसे पस टाइप की चीज़ आ रही हो, येलोइश ग्रीन टाइप की हो, तो उसके अंदर फिर पल्सिटिला नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर ये सिर्फ एलर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर उसके अंदर अगर हम रश्रक्स नाम की दवाई दें, तो उससे इस तरह की समस्या ठीक हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।